एक और पूरा देश दशहरा मना रहा है। इसी बीच महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से बड़ी खबर सामने आई है। मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के बड़े नेता बाबा सिद्दीकी को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अज्ञात हमलावरों ने उन पर गोलियां चलाई और फरार हो गए। घटना के बाद उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बाबा सिद्दीकी की पहचान मुंबई की राजनीति में एक जाने माने चेहरे के तौर पर रही है। उन्हें बांद्रा बॉय भी कहा जाता था। उन पर हत्या किसने की है, ये बड़ा सवाल है। मुंबई पुलिस इस घटना की जांच में जुटी है। पुलिस का कहना है कि हमलावरों की तलाश की जा रही है। घटना के पीछे की वजह का पता लगाया जा रहा है। मुंबई पुलिस ने पूरे इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी है। मुंबई पुलिस ने बताया कि हमलावरों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जिससे हमलावरों की पहचान हो सके। पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही मामले में कुछ अहम सुराग हाथ लगेंगे। राजनीति के साथ ही उनके फिल्मी सितारों से भी बेहद नज़दीकी रिश्ते रहे हैं। उनके बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और सलमान खान से अच्छे संबंध माने जाते हैं। दोनों अक्सर कई सेलिब्रिटी के साथ बाबा सिद्दीकी के यहाँ इफ्तार पार्टी में शामिल होते नज़र आते हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि जब शाहरुख खान और सलमान खान एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे, तो उनकी सुलह भी बाबा सिद्दीकी ने ही कराई थी। आखिर बांद्रा बॉय, जिसके हर किसी से अच्छे रिश्ते थे, हर पार्टी से अच्छे रिश्ते थे, उसके बावजूद उनकी इस तरीके से हत्या होना कई सवाल खड़े करते हैं। आपके मन में क्या सवाल है इस पूरी हत्याकांड को लेकर, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। और आगे जो भी अपडेट आता है वो आपको खबर विभाग के जरिए लगातार मिलता रहेगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।